नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिगरा क्रॉसिंग पे। अभी कुछ ही देर में यहां पे नवनिर्वाचित राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु यहाँ आएंगे। डॉक्टर मिश्रा के स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, आम शहर के नागरिक मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष दुबे उर्फ बाबा दुबे, जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष पद पे हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र को डायरेक्ट मंत्री बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बहुत बड़ी बात भी है कि किसी नेता को डायरेक्ट मंत्री बनाना। ना तो अभी MLC है, ना MLA है। क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है, निरंतर, चाहे वो जनसंघ से हो, चाहे वो अटल जी के समय हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के समय हो, कार्यकर्ताओं का पूर्ण सम्मान रखा गया है। उसी के ध्येय से आज दयाशंकर जी को बिना टिकट दिए हुए काशी की जनता एवं काशी के लोगों के सम्मान के हित की रक्षा के लिए डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी दयालु भैया को डायरेक्ट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का रूप दिया गया है। उसके लिए बनारस की जनता एवं पूर्वांचल की जनता अपने शीर्ष नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देती है। अच्छा, कितने लंबे समय से आप पार्टी में रहे हैं, तो कितने लंबे समय से उनको जानते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? आपको तो पहले बता दें भैया कि उनका हमारा एक पार्टी के कारण से भी और उनका रिलेशन भी है, पारिवारिक रिलेशन भी है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये दूसरी पार्टी में कांग्रेस में रहे, तब भी इनका एक अपना तबके में प्रभाव था, लोगों में लोकप्रियता थी और भारतीय जनता में जब आए तो इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई, जैसे सोने पे सुहागा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने में भी श्रेष्ठ रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए दयालु जी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। आज उस लोकप्रियता के चलते अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की निगाहों में ये डटे और बने रहे। आज काशी विश्वनाथ जी, काल भैरव के आशीर्वाद से इन्हें पुनः कार्य सौंपा गया है और निष्ठा और भाव से ईमानदारी के रूप में दयालु भैया वास्तव में लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं। इसलिए पूरा जनसैलाब बनारस के साथ साथ जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर से करीब 500 से ज़्यादा गाड़ियों का जनसमला आ गया, काफिला आपके सामने। अच्छा, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये उनकी फ्लीट जा रही है, इसी काफिले में वो मौजूद हैं। तमाम नेता उनके स्वागत के लिए आइए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या उम्मीदें करते हैं उनसे आप। अभी तक जो उम्मीदें पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया है पार्टी के रूप में और काशी वासियों को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करेंगे और यहाँ की जनता का सम्मान रखते हुए पूरा कार्य सहयोग एवं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। हमारे साथ जितेंद्र भाई हैं, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। क्या मानते हैं, दयालु जी को मंत्री बनाया गया, कितना उत्साह है? बनारस में बहुत उत्साह है इनको मंत्री बनाए जाने पर। ये एक जमीनी कार्यकर्ता थे और शहर दक्षिणी में जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने तन मन और धन से लग करके शहर दक्षिणी में चुनाव जिताने का काम किया, इसलिए इनको गिफ्ट में यह पद दिया गया। क्या उम्मीदें हैं उनको, आप लंबे समय से जानते होंगे, क्या उम्मीद चाहते हैं उनसे? ये यहाँ की जनता इस उम्मीद से इनके साथ लगी है कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और यहाँ की जनता के मनसा पर खरा उतरेंगे। तो ये आप देख सकते थे भाजपा के पदाधिकारी हैं जिन्होंने दावा किया कि दयाशंकर भी दयालु बेहतर कार्य करेंगे। मैं चंदन पांडे उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद। We'll be right back.
Thank you.